subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest update. एक के बाद एक नए जहर बुझे सामान निकलकर सामने आ रहे हैं। हम सभी ने विगत लंबे समय से 16, 17, 18 वर्षों से देखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानी, पराजय की कुंठा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी से बावस्ता होकर जितने भी प्रकार के ऊंचे स्तर के हल्के बयान, नितांत व्यक्तिगत अपमानजनक बयान दिए गए हैं, उसकी भारत की राजनीति में मिसाल नहीं है। उनके समुदाय, उनकी जाति, उनके परिवार, उनके स्वर्गीय पिताजी, उनकी स्वर्गीय माताजी को लेकर अनेक बार ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं जो लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करते हैं। और उसी सिलसिले में कल पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और यह बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ, यह उनका परिवार था। और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है, यह है उनका परिवार। 15 अगस्त 2023 को, अभी पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो संबोधन किया, उन्होंने क्या कहा था? मेरे परिवारजनों, ये है मोदी जी का परिवार। और यह भाव सिर्फ 2014 से नहीं है, अपनी तरुणाई की अवस्था में जब उन्होंने समाज के लिए और राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के संकल्प के साथ अपने परिवार को छोड़ा था, तो उसी क्षण उन्होंने यह संकल्प ले लिया था कि अब यह पूरा देश मेरा परिवार है। और इसीलिए परिवार के काम में किसी को थकान नहीं होती, इसीलिए 10 साल में एक दिन की भी छुट्टी मोदी जी ने नहीं ली है। यह उसी समय का संकल्प था। मोदी जी ने अपना जीवन जिस ढंग से जिया है इस देश को परिवार मानते हुए, उसे एक पंक्ति में कहा जा सकता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और इतना ही नहीं, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसलिए प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक 10 साल में 10 घंटे की भी उन्होंने कोई मोहलत या छुट्टी नहीं ली है। और वो लोग आके आज शिक्षा देते हैं जो जब तब छुट्टी मनाने विदेश जाते थे। और मैं लालू प्रसाद यादव जी को भी यह बताना चाहता हूं, महोदय आप सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100-100 छेद, जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करते हैं, उत्तर भारत में हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं, जिनकी सरकार के शिक्षा मंत्री पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, तो रामचरितमानस और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में तमाम अनाप शनाप उल्टी सीधी और अत्यंत निंदनीय बातें करते हैं, अब वो हिंदू होने के सर्टिफिकेट देने लगे। तो मैं इनकी बात का उत्तर सैद्धांतिक भी देता हूं और राजनीतिक भी। लालू प्रसाद यादव जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, महोदय अगर आपके शिक्षा मंत्री ने थोड़ी सी शिक्षा हिंदू धर्म से ली होती तो उसे समझ में आता हिंदू धर्म में
सनातन धर्म में पुत्र का महत्व नहीं होता है, शिष्य का महत्व होता है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपने हनुमान जी के जो उनके भक्त थे और शिष्य, हजारों हजार मंदिर देखे होंगे, उनके पुत्र लवकुश के मंदिर देखे हैं कहीं? पुत्र का नहीं, शिष्य का महत्व है। द्रोणाचार्य, उनके बेटे अश्वत्थामा का स्थान नहीं ऊंचा है, अर्जुन का स्थान ऊंचा है जो उनका शिष्य था। भगवान राम ने अपनी सारी शक्ति हनुमान जी को दी है, द्रोणाचार्य ने विद्या पुत्र को नहीं दी, शिष्य को दी है। और भारत की परंपरा क्या है? हिंदू धर्म की परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं। ये आपके दिमाग में भरा हुआ है, इसीलिए हिंदू धर्म के ऊपर बने हुए इन ज्ञान देव पाणे लोगों को पहले समझना चाहिए कि हिंदू धर्म क्या है, और उसके बाद बोलना चाहिए। मगर क्या करें, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, सिंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है, उनके लिए याद क्या हिंदू नहीं है? हिंदू अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो कन्नड़ है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, वो मराठी है, वो पंजाबी है, वो बंगाली है, और वो हिंदी है, पर हिंदू नहीं है। क्योंकि आपको टुकड़े में ही देखना है, आपकी नजर ही वो टुकड़े वाली है, क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े करके एक परिवार ने एक जमाने में सत्ता पाई, और आज एक नारा लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े वह गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं कि किसी एक टुकड़े के ऊपर मुझे हुकूमत करने को मिल जाए। परंतु मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रति जो ये व्यक्तिगत अपमान किया है, जनता जनार्दन हम कहते हैं ना, जनता जनार्दन के भाव से शिशुपाल की तरह एक एक गाली गिन रही है। और निश्चित रूप से जैसे भगवान ने उचित समय पर उचित प्रत्युत्तर दिया था, तो ये इनके अहम मान्यता का जो शीश राजनीतिक शीश है, इसका प्रत्युत्तर जनता जनार्दन देगी। और वो भाव आज देश के सब लोगों के मन में, जन जन के मन में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के मन में, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के मन में आक्रोश के साथ परंतु समाज के प्रति निष्ठा के साथ उभरकर सामने आया है। इसलिए स्वतः स्फूर्त ढंग से, यानी सेल्फ इंस्पायर्ड होकर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने आज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर जो अपना प्रोफाइल लोगो है, उसमें मोदी के का परिवार शब्द, मोदी का परिवार शब्द ऐड कर लिया है। स्वतः स्फूर्त और उस भाव से प्रेरित होकर जो मोदी जी ने अपने जीवन के शुरुआत से लेकर मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक किया है, आप चाहें तो इस विषय को वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और समस्त वरिष्ठ नेताओं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह बात स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। हां, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, हम वो हैं जो देश के लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार होते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, नंबर वन की अर्थव्यवस्था बनाने का, और भारत को जगत गुरु के पद तक ले जाने का, अमृतकाल का। मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, ये लोग जो आज परिवार की बात करते हैं, ये मैं आप सबके सुलभ संज्ञान के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का ये सोशल मीडिया का प्रोफाइल दिखा रहा हूं, जो कैमरामैन लोग हैं ये दिख रहा है, ये कैमरा फोकस कर सकते हैं इस पे, हो गया? हो गया। देखिए, ये परिवार का भाव हमारा इससे प्रेरित है कि हम ये कहते हैं कि 2047 तक इस पूरे परिवार को नंबर एक की अर्थव्यवस्था बनाना है।
मैं पूछना चाहता हूं, ये जितने आज परिवार के, एक एक परिवार के राजतंत्र जो जैसे चलता था, उस राजतंत्रीय परिवारों के बरखुरदार लोकतंत्र के अलंबरदार बन के खड़े हैं, इनमें से क्या आपको लगता किसी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और जगत गुरु बनाना है? ना। इन सब का लक्ष्य है कि 2047 तक यदि इनकी पार्टी रहे तो इनके परिवार के हाथ में सत्ता रहनी चाहिए, और यदि सत्ता मिल जाए तो सारी अर्थव्यवस्था इनके परिवार की मजबूत होनी चाहिए। मोदी जी का लक्ष्य है भारत विकसित प्रखर होकर आना चाहिए और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं ना, हम रहे ना रहे भारत ये रहना चाहिए, ये कहते हैं भारत रहे या ना रहे, भारत चाहे टुकड़े में रहे, मेरा परिवार रहना चाहिए। आपको याद हो हमारे, और ये कोई ऐसा नहीं कि हम कल की प्रतिक्रिया में बोल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में आपको याद हो आदरणीय अमित शाह जी ने क्या बोला था, इन सारे दलों के लिए, सात पारिवारिक दलों के अलंबरदार आज आकर ये कहते हैं इनका क्या लक्ष्य है। लालू प्रसाद यादव जी का क्या लक्ष्य है, मेरा बेटा सीएम बन जाए। स्टालिन जी का क्या लक्ष्य है, मेरा बेटा सीएम बन जाए। शरद पवार जी का क्या लक्ष्य है, कि मेरी बेटी सीएम बन जाए। ममता जी का क्या लक्ष्य है, मेरा भतीजा सीएम बन जाए। और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी अपने बेटे को सीएम बनाकर ही गए। ये सोच में अंतर है हमारी सोच और उनकी सोच में। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव एक सोच का चुनाव है, एक सोच वो जो भारत की पहचान को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर अपने परिवार का स्थान ऊंचा रखना चाहती है। और ये बात मैं इसलिए ईमानदारी से कहता हूं, ये सब नेता जो कहते हैं हम गरीब की बात करते हैं, हम दलित और पिछड़े की बात करते हैं, सत्ता में आने के बाद सबसे तेजी से इन्हीं की धन संपत्ति बढ़ती है। मैं लालू जी से पूछना चाहता हूं, आज का आपका बयान नहीं है, 24 अक्टूबर 1990 को जब आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था, दूरदर्शन के आर्काइव्स में जाके देख लीजिएगा, उन्होंने बोला था ए कुछ नहीं होता, ये हिंदू हिंदू कुछ नहीं होता, जात बिरादरी का देश, और रामलला का उसके भीतर खड़ा था क्या, ये बोलने वाले लोग थे। कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है, आज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है। मोदी जी कहते हैं तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, वो कहते हैं नौकरी चाहिए हो तो तेरी जमीन भी मुझको अर्पित, पैसा ना हो तो। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये विषय एक गंभीर विषय है जिसको लेकर भारत के हर व्यक्ति के मन में वेदना है, और वही वेदना भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में भी। और एक दूसरा विषय और मैं आपके सामने ध्यान में रख देना चाहता हूं कि भारत की राजनीति के स्वघोषित स्वयंभू कट्टर ईमानदार अजब और अलबेले किरदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री राहुल गांधी जी ईडी के सामने जाने से लगातार बच रहे हैं, सॉरी अरविंद केजरीवाल जी क्षमा चाहता हूं। तो मैं पुनः सेंटेंस बोल देता हूं कि देखिए, भारत की राजनीति के स्वघोषित कट्टर ईमानदार और अजब और अलबेले किरदार श्री अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने जाने से बच रहे हैं, और अब ईडी को तकनीकी जान समझा रहे हैं। साहब, आपने कभी सुना है कि जो मुलजिम हो वो मुंसिफ की कुर्सी पे बैठ जाए, यानी आरोपी न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठ के बताए कि यह काम इस नियम के तहत होना चाहिए? और मैं इनका एक पुराना 10 सेकंड का स्टेटमेंट सुना रहा हूं। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। समझदार व्यक्ति है और उन्हें तो पता है कि शायद 2 दिन की भी जरूरत ना पड़े, ईमेल भेजा गया था, इसलिए भी मैं बात कह रहा हूं। बाकी पार्टियां जब भ्रष्टाचार के आरोप पे लड़ती हैं तो अपनी बात पे कायम रहती हैं। इस किरदार का ये देखिए, ये किरदार कितना बड़ा कलाकार है कि इन्होंने शराब नीति बनाई और सीबीआई इंक्वायरी हुई और विड्रॉ कर ली।
अब जब विड्रॉ कर ली है तो उनको यह बात पता है अच्छी तरीके से कि विड्रॉ की है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। ये बातें सामने आ चुकी हैं कि ईमेल किए गए थे, इसीलिए लैपटॉप नष्ट किए गए, फोन नष्ट किए गए, उन बातों में मैं डिटेल में नहीं जाता। ईमेल किए गए संबंधित व्यक्ति को और जब वो ईमेल किए गए और लौटकर संबंधित व्यक्ति ने जो सुझाव दिए वो इनकॉर्पोरेट किए गए, तो शायद उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह पता होगा कि शायद कुछ मिनटों में ही जब वो सबूत दिखाए जाएंगे तो ये निरुत्तर हो जाएंगे, इसलिए शायद वो बच रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि ये देश के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण बात है और अदालत के सामने जो लोग अभी तक दागदार हैं और जिनको किसी भी प्रकार का उनको छूट नहीं मिली है, समझिए वो शीशे की अदालत में खड़े होकर पत्थर की गवाही की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं इन दोनों तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये एक नया किरदार है जो न वकील में विश्वास रखता है, न अपील में, न दलील में, न सिपाही जो मुलजिम को मुंसिफ बना देता है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे इससे एक भारत की जनता के लिए भी एक विचारणीय बिंदु मिलता है। ये जो नई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स की बात लोग करते थे, दो प्रकार की चीजें हैं, या वो जमाना चला गया, ये एक नई प्रयोग धर्मी राजनीति थी, वो कितनी रेडियो धर्मी सिद्ध हो गई आपको दिखाई पड़ रहा है। रेडियो धर्मी समझते ना, रेडियो एक्टिव डिके जो कर देता है, और ये एक पुरानी वाली राजनीति है जो काट छाट कर जाति क्षेत्र भाषा में तोड़कर बना के रखना चाहती है। इन दोनों का समय चला गया, कोई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का अब दौर नहीं है, और अब एक तरफ बिल्कुल जो एक्चुअल पॉलिटिक्स, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स मोदी जी के नेतृत्व में है उसका समय है। अंत में मैं पुनः पार्टी की तरफ से बहुत वेदना के साथ इस जहां से बात शुरू की थी, इसी मोहब्बत की दुकान से निकले हुए असली जहर बुझे सामान वाले इस गठबंधन के प्रति अपनी वेदना व्यक्त करते हुए यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि जनता जनार्दन मोदी जी के प्रति निरंतर किए गए ओछे और हल्के टिप्पणियों का जैसा समय समय पर पिछले वर्षों में जवाब दिया था वैसा ही जवाब देगी। जिसे रहीम दास की इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि जे बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घट जाए। किसी बड़े व्यक्ति को कितना छोटा सिद्ध करने का प्रयास करिए वो छोटा नहीं हो जाता। जे बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहें महिमा बदलत नाही। भगवान कृष्ण को आप इतना बड़ा पर्वत उठाने वाला गिरधर कहिए या छोटी सी मुरली उठाने वाला मुरलीधर, उनकी महिमा में अंतर नहीं आता है। तो बड़े को छोटा सिद्ध करने का जो भी प्रयास है वह निष्फल होगा, और जनता जनार्दन का पूर्ण आशीर्वाद इस जवाब का समुचित प्रत्युत्तर होगा। धन्यवाद। नीरज पांडे, देखिए बड़ी उन्होंने जो बात कही है बड़ी विचित्र है। नया किरदार है जिसके तीन तीन मंत्री जेल में हो, कौन है, छोटे मोटे नहीं है, एक उप मुख्यमंत्री जेल में है। वो उप मुख्यमंत्री रामराज्य की कितनी सुंदर परिकल्पना थी, आपको भारत के इतिहास में कोई उदाहरण मिलेगा कि शिक्षा मंत्री ही दारू का मंत्री भी हो, और शिक्षा मंत्री ने ऐसा, क्योंकि वो शराब के भी मंत्री थे, ऐसा फरमान निकाला हो कि एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री मिलेगा। तो इस पे मुझे वो आदम गोंडवी जी के कि वो शेर की एक पंक्ति याद आती है कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, दिल्ली के लिए, काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज यो दिल्ली के विधायक निवास में। देखिए ये परिवार तो उनके थे, मैं पूछना चाहता हूं सिंपल सी बात, बहुत से लोग ये बार बार कहते हैं,
ये लॉन्ग टर्म लोन जो लिया जाता है ये कितने समय के लिए लिया जाता है? हम और आप भी अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, मकान का लोन लेते हैं, तो क्या 2 साल के लिए लेते हैं, 4 साल के लिए लेते हैं? मिनिमम 10 साल अथवा 15 या 20 साल। तो पूछ लीजिए किसके परिवार के जमाने में लोन लेके गए थे। सुचित्रा ए नहीं देखिए, हम न्यायालय का जो भी निर्णय है वो हमारे लिए शिरोधार्य है, परंतु ये निर्णय बरबस हमें इस बात की याद दिला देता है कि न्यायालय के द्वारा सिद्ध नोट के बदले वोट का एकमात्र उदाहरण, सबसे पुराना उदाहरण, 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें यह साबित हो गया था कि 1994 में, मैं युवा पीढ़ी को याद दिला देना चाहता हूं, 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने रिश्वत ली थी और वो पैसे भी बरामद हो गए थे, वो लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बचाया था। तो इसलिए मुझे याद आता है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं पार्लियामेंट में, वो रिपीट कर देता हूं, आपने तमाम फिल्मों में वो डायलॉग सुना होगा ना कि 20 बरस पहले की बात है, तो मैं बताना चाहता हूं 30 बरस पहले की बात है, क्योंकि 2024 में बैठे, 1994 की बात है। तो वो पुराना फिल्म का गीत मुझे परिवर्तित होकर याद आता है कि ये सारी भ्रष्टाचारी पार्टियां एक दूसरे से, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस तब भी साथ थी, अब भी साथ हैं, तो मानो एक दूसरे से कह रही हूं कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मान्यवर, मैंने तो आपको उदाहरण 2014 की दीपावली से दे दिया कि जब मोदी जी ने जाकर अपने परिवार के साथ लोग दीपावली मनाते हैं, उन्होंने पहली दीपावली सेना पे मनाई थी, सेना के जवानों के साथ, और परिवार उसी समय छोड़ दिया था। हमारे लिए पार्टी परिवार है, देश परिवार है, उनके लिए परिवार ही पार्टी है और परिवार ही देश है। जरूरत हो तो देश को कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, परिवार के हित के लिए चुकानी पड़ सकती है। और अगर न याद हो तो आज से तकरीबन 76 साल पहले देश के हिमकिरीट, यानी देश का मुकुट जो कहलाता था, वो कीमत कितनी लंबी चुकाई थी, ये आज तक याद है। इसलिए जो लोग इस देश को परिवार मानते हैं, उनकी सोच उसने 2019 में उस गलती को सुधारा, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, और जो परिवार को देश से ऊपर रखते थे उन्होंने उस समस्या में फंसाया था। प्रज्ञा, एक्चुअली इफ डीएमके इज रिएक्टिंग ऑन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इट मींस यू कैन ड्रॉ अ वेरी इजी कंक्लूजन दैट डीएमके सीम्स टू बी स्केयर्ड, otherwise there would have been no reason, since around several months and a year when they have unnecessary, or I will say deliberately with a design, have started propagating this type of dastardly ideas like eradication of Sanatan Dharma. As far as Prime Minister is concerned, I will like to remind, before the Pran Pratishtha of Sri Ram Janmabhoomi, he has gone to several temples of South, and when in Kanyakumari, in Rameshwaram, he was standing on the southern tip of the country and he was having bath with the 22 wells which is there in Rameshwaram. That shows that how this country is integrated from north to south, Ase to Himachal. I think DMK is still relying upon that old age, outdated, divisive ideology which has been totally rejected by the people of the country, and we are quite sure that this time Tamil Nadu se usi dakshini chhor se jahan ek bindu par 3 samudra milte hain, is sentence ka koi meaning baad mein nikaliyega jaake, wahan se wo dhara uthegi aur Bharat ki rajneeti mein yugantkari parivartan
जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है उसको निर्णायक परिणति तक पहुंचाएगी. मीन्स एन इपॉक मेकिंग पैराडाइम शिफ्ट विच इज बीन स्टार्टेड अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी. नाउ अ न्यू वेव विल इमर्ज फ्रॉम साउथ एंड विल रीच टू इट्स अल्टीमेट कंक्लूजन. आनंद पांडे होगा जी. बस देखिए, यदि किसी न्यायाधीश ने यह बात कही है और वो भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में, तो मैं मानता हूं इस विषय को राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों के लिए गंभीर आत्मावलोकन का विषय होना चाहिए. ये बंगाल की सरकार के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी है जो आज तक साफ दिखाई पड़ रहा था, पर आंखों देखे हुए भी, जिसे मक्खी निगलना शब्द कहते हैं, वो पश्चिम बंगाल की सरकार चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत के लिए जो कर रही थी, मुझे लगता है कि वो भाव अब जन जन से उठकर, सामाजिक कार्यकर्ताओं से उठकर, अगर न्यायाधीश महोदय ने भी ये बोला है तो मुझे लगता है ये पश्चिम बंगाल सरकार की नैतिक पराजय है और पश्चिम बंगाल के भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है. क्योंकि संदेश खली में जो हो रहा है यही 77 साल पहले नोआखली में हुआ था. तो यह एक प्रकार का संकेत है किसी प्रबुद्ध न्यायाधीश के द्वारा कि भविष्य में क्या संभावना हो सकती है. बहुत बहुत धन्यवाद.